आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट नोट्स। आज का टॉपिक है द एसे ऑफ ट्रैवल बाय फ्रांसिस बैकन। बैकन अपने ऑफ ट्रैवल में बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल, और उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ट्रैवल के दौरान जो है बहुत कुछ हम सीखते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा मज़ा सीखने में आता है। नए आहार, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति हम लोग यात्रा के दौरान सीखते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, एक अच्छा अनुभव होता है। और ट्रैवल के दौरान जो है हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, नया पॉजिटिव थिंकिंग आता है। कई प्रकार के जो है मानसिक विकार दूर होते हैं, जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एट्सेट्रा। ऑल राइट, किताबें जो है आपको जीवनी पढ़ना सिखाती है, लेकिन यात्रा आपको जीवन कैसे जीना है यह सिखाता है। ऑल राइट, और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ऑफ ट्रैवल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में क्रिएट हो सकते हैं, आपको इसी आंसर पर आपको स्टिक रहना है। आपको यही आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं ऑफ ट्रैवल से, लेकिन आपको आंसर यही लिख के आने हैं एज इट इज़। ऑल राइट, सो चलिए टॉपिक पे आता हूँ। फ्रांसिस बैकन वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेटमैन, एसिस्ट, साइंटिस्ट, लॉयर, जूरिस्ट एंड ऑरेटर। ही सर्व एज अ लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1618 टू 1621। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म, एंड हिज वर्क्स हैव हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, फिलोसॉफी एंड लिटरेचर। फ्रांसिस बैकन इंग्लिश फिलोसोफर थे, थिंकर थे बेसिकली। ये एक्चुअली ये फिलोसोफर मतलब होते हैं कि वे लोग जो बड़े बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे दुनिया कैसी बनी या खुशी क्या है। फ्रांसिस बैकन भी एक तरह के काइंड ऑफ इंसान थे, थिंकर वाले। और स्टेटमेंट मतलब होता है राजनेता। एसिस्ट मतलब होता है ऐसे, एसिस्ट मतलब होता है निबंधकार। ऑल राइट, बेसिकली ये निबंध लिखा करते थे। ये साइंटिस्ट थे, लॉयर थे, जूरिस्ट थे, ऑरेटर। ओके, और ये सर्व एज लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। लॉर्ड चांसलर एक्चुअली ये राजा का सबसे खास हेडमास्टर होते थे। ऑल राइट, ये राजा की बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों का समस्या को राजा तक पहुंचाने का काम हुआ करता था। इनका झगड़ा को सुलझाना, क्या सही है क्या गलत है, और खातों का हिसाब रखना, ठीक है, राजा राजा को सलाह देना क्या सही है क्या गलत है। जब राजा जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो इनसे सलाह लेते हैं, ये बताते हैं कि कहाँ गलत है, क्या सही है, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऑल राइट, सो इनका जो है कालखंड 1618 से लेके 1621 तक रहा। ऑल राइट, और ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिज्म है। एक्चुअली एम्पिरिज्म मतलब होता है, और इनका मानना है कि सारा जो ज्ञान जो है अनुभव से आता है, देखने, सुनने, सूंघने और चखने से। जैसे कि नींबू का जो स्वाद है, हम आप जो है चक्कर बता सकते हैं कि कैसा है, ना कि सुनकर। ओके, और उनका जो है वर्क्स है जो अहम भूमिका निभाया साइंस साइंस में, फिलोसॉफी में और लिटरेचर में डेवलपमेंट होने में। ऑल राइट, और बैकन के जितने भी मोस्ट फेमस ऐसे हैं उनको इंक्लूड करने हैं जो मोस्ट फेमस हैं। ओके, एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको लिखने हैं। अब जो है ट्रैवलिंग, लर्निंग फॉर द यंग, एक्सपीरियंस फॉर ओल्ड, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने हैं। ऑल राइट, यंग लोगों के लिए सीखना और बुज़ुर्गों के लिए अनुभव। ऑल राइट, अब कोटेशन है, ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। फ्रांसिस बैकन बिलीव दैट ट्रैवल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली फॉर यंग पीपल। ही सॉ इट एज अ वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड डिफरेंट कल्चर्स, फॉर
ओल्डर पीपल ही सॉ इट एज अ वे टू गेन एक्सपीरियंस एंड ब्रॉडन देयर होरिजन। ओके, फ्रांसिस बेकन का मानना है कि ट्रैवल जो है अहम भूमिका निभाती है जीवन में, स्पेशली यंग लोगों के जीवन में। ओके, और इनका मानना है यंग लोग जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड को, जान सकते हैं कल्चर को, और ओल्डर के लिए बताएं कि वो अनुभव कर सकते हैं, अपने अनुभव को बड़ा बना सकते हैं। ओके, अपने सोच को डेवलप कर सकते हैं। प्रिपरेशन इज की, अब तैयारी जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इसमें, आपको अंडरलाइन करने हैं, प्रिपरेशन इज की। ऑलराइट, कोटेशन है, ही दैट ट्रेवल्स इन टू अ कंट्री बिफोर ही हाथ सम एंट्रेंस इन टू लैंग्वेज गोज टू स्कूल एंड नॉट टू ट्रेवल। बेकन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रेवलिंग। ही बिलीव दैट ट्रेवलर शुड लर्न एटलीस्ट सम ऑफ द लोकल लैंग्वेज बिफोर दे गो। दिस वुड हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद द पीपल दे मीट एंड टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। बेकन स्ट्रेस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, ट्रैवलिंग करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप जा रहे होते हैं अलग प्लेसेस में, आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए या आपको सीख लेने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे सहज रूप से बात कर पाएंगे और ज़्यादा आप अनुभव कर ले पाएंगे, ज़्यादा आप अपना उस जगह का आनंद उठा पाएंगे। ऑलराइट, ट्रेवल विथ अ वाइज कंपेनियन, यहाँ अंडरलाइन करना है, हेडलाइन लिखना, कोटेशन लिखना है, यंग मैन ट्रेवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट। बेकन ऑल्सो रिकमेंड दैट यंग पीपल ट्रेवल विथ अ वाइज कंपेनियन, दिस कुड बी अ टीचर, पेरेंट, अ पेरेंट और अनदर एक्सपीरियंस पर्सन। दिस पर्सन कुड हेल्प द यंग ट्रेवलर टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर ट्रिप एंड टू अवॉइड एनी डेंजर्स। बेकन सजेस्ट करते हैं यंग लोगों को कि अपने साथ एक ऐसे इंसान को ले जाएं जो अनुभवी हो, या तो वो उस वो प्लेस को अच्छी तरह से जानते हो, ऑलराइट, और उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, उस वाले व्यक्ति को ले जाएं जो आपसे पहले उस वाले प्लेस में जा चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, चीज़ों को नॉलेज ले चुके हैं। ये जो है वाइस कंपेनियन आपको ज़्यादा बता सकते हैं अच्छे से, ऑलराइट, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई अनुभवी इंसान हो सकता है जो घुमा हो पहले से। ओके, तो इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अपने ट्रिप का आनंद ज़्यादा उठा सकते हैं, ऑलराइट, और कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। सीक आउट वाइज एक्वाइंटेंस, आपको जो है अब किसी व्यक्ति के, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने हैं। एज़ फॉर द, इसमें अंडरलाइन करना है, सीक आउट वाइज एक्वाइंटेंस, ठीक है, अंडरलाइन करके अब लिखना है कोटेशन। एज फॉर द एक्वाइंटेंस विच इज़ टू बी सॉट इन ट्रैवल दैट विच इज़ मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल इज एक्वाइंटेंस विद द सेक्रेटरीज एंड एम्प्लॉयड मैन ऑफ एम्बेसडर्स। बेकन बिलीव दैट दैट ट्रैवलर शुड सीक आउट वाइज एक्वाइंटेंस इन द प्लेस दे विजिट। दिस कुड बी डिप्लोमेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अदर पीपल हु नो दैट कंट्री वेल। दीज पीपल कुड शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द ट्रैवलर एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर। बेकन मानते हैं ट्रैवलर को ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्टेक्ट में आने चाहिए जो डिप्लोमेट हो सकते हैं या कोई गवर्नमेंट के लोग हो सकते हैं, ओके, जो अच्छे से जानते हैं कंट्री को, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं आपके साथ, ऑलराइट, और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, लोकल लैंग्वेज को समझ पाएंगे, लोकल कल्चर को समझ पाएंगे, ओके, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो ऐसे इंसान के साथ को ज़रूर से ज़रूर कॉन्टेक्ट माने चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो या गवर्नमेंट ऑफिसल के व्यक्ति हो, ठीक है। कीप अ ट्रेवल जर्नल, इसमें अंडरलाइन करना, लिखना है हेडलाइन, लेट डायरीज बिफोर बी सॉट ब्रॉट इन यूज। बेगन ऑल्सो रिकमेंड दैट ट्रेवलर्स कीप अ जर्नल ऑफ देयर एक्सपीरियंस। दिस कुड बी ग्रेट वे टू रिमेंबर व्हाट दे सॉ एंड डिड ऑन देयर ट्रिप।
इट कुड ऑल्सो बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर ट्रेवलर्स। बैकन रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं ट्रेवलर्स को या यात्री को कि अपने साथ जो है एक डायरी रखें, अपने अनुभवों को आप उसमें लिखें, आपने क्या देखा क्या किया सारे चीज़ों को आप डायरी में नोट करें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऑल राइट, और ये जो है फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, आने वाले नेक्स्ट ट्रेवलर्स के लिए। ओके, अवॉइड क्वारल्स। क्वारल्स यहाँ अंडरलाइन करना, लिखना है क्वारल्स, दे आर विथ केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड, कोटेशन है। बेकन वॉर्न ट्रेवलर्स टू अवॉइड गेटिंग इन टू आर्गूमेंट्स और फाइट, दिस कुड बी स्पेशली डेंजरस इन फॉरेन कंट्रीज। वॉरेन जो बेकन है, फ्रांसिस बेकन, वो ट्रेवलर्स को सजेस्ट करते हैं कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, आर्गूमेंट्स ना करें जब आप यात्रा कर रहे हो, तो इससे जो है मज़ा किरकिरा आ जाएगा, आपका जो यात्रा है वो सफल नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। और स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में आपको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, तो जितना से ज़्यादा जितना हो सके आपको क्वारल झगड़े से दूर रहना है और अपने यात्रा का आनंद उठाना है। ऑल राइट, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। अब चीज़ों को खुलकर एक्सपीरियंस अनुभव करना है, ना कि क्लोज होकर। ओके, तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं अपने आप को खोल दो, अपने आप को खोल के चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो। ऑल राइट, ट्रेवल इज़ वर्चू, बट इट इज़ इन द एंड नो बेटर देन द वर्चू ऑफ द ट्रेवलर। ऑल राइट, तो हेडलाइन क्या है आपका, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। आपको इसमें अंडरलाइन करने लिखने हैं, कोटेशन लिख देना है, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। अल्टीमेटली बेकन बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ ट्रैवल डिपेंड्स ऑन दैट ट्रैवलर। इफ द ट्रैवलर इज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड विलिंग टू लर्न, देन ट्रैवल कैन बी अ ग्रेट वर्चू। बट इफ द ट्रैवलर इज क्लोज माइंडेड एंड अनविलिंग टू लर्न, देन द ट्रैवल ट्रैवल विल बी ऑफ लिटिल वैल्यू। अल्टीमेटली बेकन का मानना है कि अगर ट्रैवलर यात्री अगर चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, चीज़ों को सीखने का जिज्ञासा रखता है, तो यात्रा सफल है। लेकिन ऐसा व्यक्ति या यात्री जो क्लोज माइंडेड है, चीज़ों को समझना नहीं चाहता है, ओके, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है, तो शायद उसका जो ट्रैवल है, उसका जो यात्रा है, मतलब ख़त्म है, बेकार है, नहीं करना चाहिए उसको। ट्रैवलिंग करना मतलब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, चीज़ों को सीखना, उसका जिज्ञासा रखना। ऑल राइट, तो ये चीज़ें अच्छी होती है। ऑल राइट, अब बेकन सजेस्ट टू ट्रेवलर्स मस्ट सी। फ्रांसिस बेकन सजेस्ट टू ट्रेवलर्स मस्ट सी एंड एक्सप्लोर ड्यूरिंग देयर ट्रिप्स, दैट इज हार्बर, एंटीक्विटीज, लाइब्रेरीज, कॉलेज, आर्सेनल, मैगजीन्स, ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, कमेडीज, म्यूजियम और कैबिनेट्स, एक्सरसाइज ऑफ हॉर्समैनशिप। ऑलराइट, अब फ्रांसिस बेकन सजेस्ट करते हैं हर एक ट्रैवलर्स को कि हार्बर को देखने चाहिए, एंटीक्विटीज़ को देखने चाहिए, मतलब पुराने पुराने इमारतों को देखना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को उसको देखकर जानकारी लेनी चाहिए, लाइब्रेरीज को देखने चाहिए और कॉलेज को देखने चाहिए, हथियार को देखने चाहिए जहाँ पर रखे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हथियार, उनसे नॉलेज रखने हैं, लेने हैं, डायरी में लिखने हैं। ऑल राइट, मैगजीन हो गया, चाहे वो ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स का हो गया, वो देखने चाहिए, कमेडीज़ को देखने चाहिए, म्यूजियम में जाना चाहिए, चीज़ों को देखने चाहिए, मोन्यूमेंट्स को देखने चाहिए। ऑल राइट, घुड़सवारी करनी चाहिए या देखने चाहिए या एक्सपीरियंस लेने चाहिए। ऑल राइट, इतने सारे जो है वो सजेस्ट करते हैं। इन इन एसेंस, अब अंत में क्या लिखना है, इन एसेंस बेकन्स कंक्लूशंस अर्सेस टू अस सीक पर्सनल ग्रोथ टू ट्रेवल, मतलब यात्रा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास की तलाश करें, एक्टिविटी एंगेज विथ न्यू कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स, नए संस्कृति और दृष्टिकोण के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, अप्लाई ट्रेवल्स लेसन्स टू एनरिच योर लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ अदर्स। यात्रा के जो सबक हैं
अपने जीवन और दूसरे के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लागू करें। दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आ गए और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है। और मैं एक बात बोला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही लिखने हैं, ऑफ ट्रैवल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिख के आने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।